जरिए आप अपने खुद को परखते हैं, जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, मैच में आप कैसे होते हैं। और जब आपकी ओपोनेंट में एक मजबूत टीम होती है जहां पे खिलाड़ियों का अनुभव काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और धीरे धीरे दर्शक अब अपना स्थान छोड़ने लगे हैं। स्वागत है फिर रांची सिंधी ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं गाइस, फुटबॉल मैच का प्रतियोगिता आयोजित किया गया रांची में, जहां पे 23 से लेकर 30 तक आयोजित किया गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का प्रतियोगिता आयोजित किया गया और कौन कौन से यहां टीम भाग ले रहे हैं और कितने दिन तक चलेंगे, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखे दोस्तों, का मैच हो रहा है। चलिए मैं आप लोग को फुटबॉल का मैच दिखाता हूँ। यहाँ मैकोन रांची और भाव के बीच में जो मैच हो रहा है वो मैं दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं इस तरह से फिर आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि दोनों टीमों के जाने वाले काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचेंगे। और वही दूसरे मैच में बीपीएसएस दुबलिया के सामने होंगे हर्षित क्लब रांची। तो कल ये दो मैचेस के लिए जाएंगे और आप सभी का इंतजार रहेगा। एक अच्छा क्रॉस यहां पे, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी जो कि काफी अंदर चले गए थे। लगातार यहां पे प्रयास करती हुई राजस्पोर्ट्स बुंदू, हालांकि अभी तक मैकोन ने राज किया है राजस्पोर्ट्स बुंदू के खिलाफ इस पूरे मैच में, क्योंकि लीड में जो है बुंदू और कौन बहुत अच्छा पास यहां पे जेसी नंबर 7 के लिए। चुस्ती फुर्ती और दिमाग का मेल है और ये फुटबॉल का खेल है। 11 नंबर जर्सी जो कि गोल के लिए लगातार प्रयास करते हुए उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जर्सी नंबर 10 ट्रैफिक ये था और इन्होंने मैच का तीसरा गोल दा। ये जो पीली जर्सी में आपकी बैकोन स्पोर्ट्स रांची की टीम है और रेफरी के सिटी के हिस्से के साथ हमारा ये किक, साथ साथ हमारे जितने फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं गोल के बीच चाहते हुए लेके गेंद को और ये छोटा गेंद बाहर। तमाम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रांची में एक फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। जो फुटबॉल प्रतियोगिता, ये सारा डिटेल यही बताएंगे। तो स्वागत है मेरा चैनल में, आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम थोड़ा बता दीजिए मेरे व्यूअर। मेरा नाम संतोष उराव है, इस टूर्नामेंट के सचिव हुए हैं। अच्छा, थोड़ा दूर से लीजिएगा ना भैया, तो कंटिन्यू रहेगा, हिलेगा नहीं।
तो इस प्रतियोगिता कब से कब चालू हो रहा है वो थोड़ा डिटेल हमारे व्यूअर को बता दें, क्योंकि जितने भी रांची वासी हैं सभी जानना चाहते हैं कि यहाँ प्रतियोगिता कब से कब स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म होगा और कितना पुरस्कार है, वो सारा कुछ डिटेल थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे आज से स्टार्टिंग है, हमेशा उसकी जयंती के दिन में बुरसा ये रामदयाल मुंडा जो है हमारा पद्मश्री, उसका 23 तारीख को जयंती है, उसी दिन हम लोग इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं और इसका समापन हम लोग 30 तारीख को हम लोग करते हैं। अच्छा, लोकेशन बता दीजिए जहाँ प्रतियोगिता, जो फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया वो लोकेशन बता दीजिए, अगर कुछ व्यूअर आना चाहेंगे देखने के लिए फुटबॉल मैच, तो जो फुटबॉल प्रेमी होते हैं वो कहीं भी आ जाते हैं फुटबॉल मैच देखने के लिए, तो वो थोड़ा लोकेशन बता दीजिए और कौन कितने टीम यहाँ पे भाग लिए हैं और मैच का शेड्यूल क्या है वो थोड़ा बता दीजिए भैया। यहाँ पे 16 टीम को हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल 16 टीम लेते हैं हम लोग, और इसका प्रथम पुरस्कार जो है 1.5 लाख रुपया, सेकेंड प्राइज 1 लाख रुपया, और जो सेमीफाइनल में जो भी टीम आती है उसको हम लोग सोचते हैं कि सेमीफाइनल पहुंचता है और वो खाली हाथ निराश होकर चला जाएगा, इसलिए हम लोग उसको इस बार 25,000 रुपया ने 25,000 रुपया देने का निर्णय लिया। और ये टूर्नामेंट हर एक साल यहाँ पे रांची, पहले रांची कॉलेज मैदान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पे कॉलेज अब यहाँ पे श्यामा प्रसाद बन गया है, लेकिन हम लोग ये जो मैदान है रामदयाल मुंडा स्टेडियम के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के नज़दीक यहाँ पे ग्राउंड है। तो देख सकते हैं 23 से 23 तारीख तक यहाँ पे फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, जहाँ पे पुरस्कार आपको 1.5 लाख से लेके 25,000 से लेके 1.5 लाख तक यहाँ पे प्रतियोगिता का पुरस्कार दिया जाता है, और यहाँ पे 16 जो टीम है पार्टिसिपेट किए हैं, तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और पानी का जो अभी मौसम जो है ना वो काफ़ी सुहाना है, तो यहाँ फुटबॉल का आप इन्जॉय कीजिए देखिए, और हमारे रांची में इस तरह का प्रतियोगिता होते रहती है और इस तरह से आपको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ प्रतियोगिता अभी 30 तारीख तक चलेगी ना। yes, तो किन्हीं को अगर प्रतियोगिता देखना हो तो यहाँ पे आइए और प्रतियोगिता का पूरा एंजॉय कीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट का भाग लिया, अदर डिस्ट्रिक्ट का देखिए, ये इसमें देखिए रांची का टीम है, लेकिन रांची का प्लेयर जो मैनेजर है कोच है वो बाहर से भी टीम आते हैं यहाँ पे, हो सके कल से नाइजीरियन भी आपको देखने को मिलेगा। नाइजीरियन भी आएंगे, नाइजीरियन भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे उम्मीद है कि नाइजीरियन का भी आप लुक उठा सकते हैं, जो विदेशों में खेलते हैं वो प्लेयर नाइजीरियन प्लेयर, यहाँ हम लोग 3 अलाउ किए हैं, एक में एक टीम से 3 ही नाइजीरियन खेल सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नाइजीरियन टीम विदेशी टीम भी आ सकते हैं और आपको फुटबॉल का पूरा लुफ्त मजा उठाया जाएगा। कोई चार्ज हुआ है क्या क्या फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए थोड़ा भी बता दीजिए। इसमें हम लोग निःशुल्क है, और जगह जो पार्किंग से लेके टिकट से लेके सारे चीज कोई चार्ज नहीं लेता था, लेकिन हम लोग एक रामदयाल पद्मश्री रामदयाल मुंडा के नाम से कर रहे हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क से आइए देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड है, आप विशेषकर हम ये बताना चाहूँगा दर्शकों को, आप गाड़ी जो बाहर में लगाते हैं वो गाड़ी अंदर में लगाइए, ताकि आपका गाड़ी सेफ रहेगा और आपको आराम से मैच देख सकते हैं, आप मैच का आनंद उठा सकते हैं। बस यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित किया गया और 23 से लेके आपको 30 तारीख तक प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, और इस तरह का प्रतियोगिता यहाँ पे रांची में होते रहता है, तो इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि कैसा लगा मैच, कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा मैच। किसे किसके मैच, पहला मैच या दूसरा मैच? पहला मैच था चित्रकोटा वर्सेस चुट्टू, जे जे कैसा रहा? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार था ना, बहुत शानदार था मैच। चलिए बहुत बढ़िया, तो देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह से बंडू और FFC रांची के द्वारा मैच समाप्त हो गया है, और देख सकते हैं, चलिए हम लोगों के रिव्यू जानते हैं, जानते हैं भैया मैच कैसा लगा, और किसके किसके बीच था बंडू और मेकोन? अच्छा दादा, गोल किसने मारा? हम मेकोन। मेकोन मैच अभी कितना दिन चलेगा? 30 तारीख तक। कौन सा प्रतियोगिता है? रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। क्या नाम हो भैया? प्रकाश मुंडा। अच्छा, कौन सा टीम से? मेकोन। आपसे निवेदन है कि आप हमारे जीत गए, थैंक यू। तो हमें कहा है।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जहाँ पे हमारे कुछ सदस्य हैं, तो उनसे बात करते हैं कि फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने में कितना संघर्ष ये झेले हैं और कितना दिन से चल रहा है फुटबॉल प्रतियोगिता। चलिए सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में सर, और क्या नाम है आपका ये प्रतियोगिता का? डॉक्टर रंदाल मुंडा चैलेंज ट्रॉफी। अच्छा, मतलब कब से चल रहा है सर ये? नवा हो गया। अच्छा, ये 9 times खेला हो चुका है। अच्छा, तो सर आप बताइएगा फुटबॉल जो प्रतियोगिता हो रहा है तो किस तरह से आप सेटलमेंट किए हैं और किस तरह का आयोजित करने का क्या क्या मतलब प्रबंध किए हैं और फी वगैरह फ्री वगैरह है कि फी कॉस्ट वगैरह सारा कुछ आप डिटेल में थोड़ा बताइए मेरे व्यूअर को। ये टूर्नामेंट 2012 में शुरू हुई और झारखंड के महान शिक्षाविद रामदयाल मुंडा जी जो पद्मश्री से सम्मानित भी हैं उन्हीं के नाम पर यह टूर्नामेंट चल रहा है और यहाँ एंट्री फीस 20,000 रुपये है पर टीम के लिए और मैच देखने का यहाँ कोई शुल्क नहीं है, पार्किंग का कोई शुल्क नहीं है, आप आके आराम से अपना मैच का आनंद ले सकते हैं। 16 टीमों की एंट्री है। अच्छा, और ये हर साल 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच चलता है क्योंकि 23 अगस्त पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में यह टूर्नामेंट शुरू होता है और उसी दिन से 30 अगस्त तक यह टूर्नामेंट चलता है। तो आज से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज किसके किसके बीच था? आज पहला मैच चुट्टू और चित्रकोटा के बीच था। जो किस कौन भारी पड़ा, किस पर भारी पड़ा? चित्रकोटा भारी पड़ा, 1-0 से वो मैच को जीते। अच्छा, तो फुटबॉल आयोजित किया गया, ये कितना टाइम मतलब यहाँ इस ग्राउंड में खेला गया और कितना लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे देखने की? यहाँ बहुत भीड़ होता है, ये अंदाज लगाना मुश्किल है कहीं की पब्लिक, हमको कुछ एक भी बांस नहीं दिखता जो लगा हुआ और सारा व्हाट्सएप कर देना ग्राउंड फुल रहता तो कम से कम 30-35,000 लोगों का जमावड़ा यहाँ रहता है। तो लोगों क्या बोलेंगे आप, आइए और देखिए एंजॉय कीजिए एकदम। तो हमको कर देना और ये रांची का बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट आना वाला साहब और लोग भुलाना टूर्नामेंट के बारे इंतजार करते रहते हैं कि कब रामदयाल मुंडा फुटबॉल चालू होगा और हम लोग मैच का आनंद लेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजित किया गया, तो आके आप एंजॉय कीजिए और देखिए और पूरा लुत्फ मजा उठाइए, फ्री का और कोई कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है और मौसम भी बढ़िया है, बरसात का मौसम है और बहुत ही मजा आने वाला है मैच। आज तो शुरुआत था और काफी और भी कौन कौन मतलब जो मैच खेले जाएंगे सर, तो किस टीम कितने टीम अभी और कितना मैच होंगे, एक दिन में कितने मैच होते हैं? एक दिन में 2 मैच होते हैं। अच्छा, और अभी कितने टोटल कितने मैच खेले जाएंगे? अभी 16 मैच खेले जाएंगे। 16 मैच? हाँ, तो अभी 2 मैच हो चुका है, तो अभी 14 मैच बचा हुआ है, तो काफी मजा आने वाला है ना? बहुत मजा आने वाला है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? राजू रजक। चलिए, आप कौन सा सदस्य है? मीडिया प्रभारी इस कमेटी के। अच्छा, इस कमेटी के मीडिया प्रभारी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहता हूं और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए क्योंकि उन्हें भी पता चले कि रांची में इस तरह का प्रतियोगिता आयोजन किया गया है और आके लुप्त मजा उठा सकें। चलिए, धन्यवाद। देख सकते हैं मैकॉन का टीम विन करके अभी आ चुकी है और चलिए हम लोगों से जानते हैं देखने को मिलेगा दोस्तों और अभी पूरा भीड़ पूरा खचा मिलेगा इस तरह से और मैच अभी कल भी मैच है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस तरह से फुटबॉल मैच यहाँ का आयोजित किया गया है दोस्तों और बहुत दूर लोग यहाँ पे आए, देख सकते हैं यहाँ पे छत पे बैठे हुए लोग और यहाँ पे देख रहे हैं मैच का एंजॉय कर रहे हैं मैच इस तरह से अभी बुंडू और एफएफसी रांची के द्वारा इस तरह से मैच किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया है यहाँ झारखंड कॉलेज झारखंड रांची में और इस तरह से प्रतियोगिता यहाँ आयोजित किया गया है और अभी एफएफसी के और बुंडू के बीच में इस तरह प्रतियोगिता किया गया है।